सो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिटर्मिनेट एंड द इनडिटर्मिनेट एरर्स. ठीक है, तो हम डिटर्मिनेट एरर को डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक. तो लास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द कांस्टेंट एरर एंड द प्रोपोर्शनल एरर. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इनडिटर्मिनेट एरर. इनडिटर्मिनेट एरर्स. ओके, एज आई सेड कि ये वो एरर होती हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता भी ये एरर आई कहां से है. ठीक है, तो मतलब हम इनको एक्सीडेंटल एरर भी कह सकते हैं और रैंडम एरर भी कहते हैं इसको. दे आर नोन एज ए एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स. ठीक है, सो द सोर्स ऑफ दीज एरर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, सो क्या होता है कि सपोज एक पर्सन काम कर रहा है तो सेम कंडीशन में काम कर रहा है बार बार सेम डे में, तो वहां पे उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं, ट्रू वैल्यू से मैच नहीं कर रहे हैं. तो सब कुछ टेस्ट करके देख लिया उसने, इंस्ट्रूमेंट भी चेक करके देख लिया. ओके, हमने क्या किया है वहां पे जो पर्सन काम कर रहा है ऑपरेटर है उसको भी चेंज करके देख लिया, बट क्या है जो कंडीशंस हैं वो सेम रखी हैं, मेथड भी सेम है. मतलब जो हमारी जो एरर डिटर्मिनेट एरर्स करके आती थी उन सबको हमने चेक करके देख लिया कि हमारा इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, हमारा जो ऑपरेटर है दैट इज ऑल्सो स्किल्ड, और जो मेथड है वो भी हमारा बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं. मीन्स उसमें कोई एरर आ रही है, तो वो एरर क्यों आ रही है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एरर है वो इनडिटर्मिनेट है. अभी हमें एरर का जो कारण है वो नहीं पता चल रहा कि वो एरर क्यों आ रही है. ठीक है, तो कैसे फिर हम इसको पता चलेगा, तो ये क्या क्या कारण हो सकते हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं भी क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे पास ये एरर आ जाए. ठीक है, सो दो तीन कारण है. क्या हो सकता है कि वहां पे लैब में अगर जो जिस लैब में काम हो रहा है वहां पे जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आ गई हो. ओके, सपोज हमारा जो मेथड है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर रहा है, सपोज 298 केल्विन पे काम कर रहा है वो, बट हमारा क्या हो रहा है कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, लैब का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है इंक्रीज है या डिक्रीज है, तब वहां पे जो कि कुछ क्या होती है रिएक्शन में एरर आ सकती है, हमारे रिजल्ट में एरर आ सकती है. इसी तरह से ही जिस वेसल में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस वेसल का जो प्रेशर है या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो जो प्रेशर वहाँ मेंटेन करना है वो प्रॉपरली वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या हमारा जो कह लो भी जो लैब का हमारा प्रेशर है, ठीक है, 1 atmosphere जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसकी वजह से एरर आ सकती हैं. तो ये जो इनडिटर्मिनेट एरर हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव एरर भी हो सकती हैं. ठीक है, बट ये इनको हम क्या कर सकते कंट्रोल में नहीं है. द एरर्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल उनको हम रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर और हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कह देते हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर का हमें नहीं पता चल रहा कि वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, ये जैसे एक आइडिया है कि हो सकता है उनकी वजह से ऐसा हो, तो इस तरह की एरर को हम क्या कह देते हैं इनडिटर्मिनेट एरर कह देते हैं. ठीक है, सो यू कैन से दीज आर ड्यू टू द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द एनालिस्ट टू कंट्रोल और चेंज द एक्सटर्नल कंडीशंस. ठीक है, वहां पे जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी एबिलिटी नहीं है कि उनको कंट्रोल कर पाएं, तो उसकी वजह से जो एरर आती है उनको हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इनको अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट है कि कौन कौन से मेथड से हम एक्यूरेसी डिटरमिन कर सकते हैं. ये तो था एरर को डिटरमिन करना, एरर के बारे में बात करनी. अब नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग एक्यूरेसी. सो दो मेथड हैं जिससे हम क्या करते हैं भी किसी भी रिजल्ट की या जो कोई जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी हम एक्यूरेसी को डिटरमिन कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज द एब्सोल्यूट मेथड. फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट मेथड एंड सेकंड इज द कंपैरेटिव मेथड. सेकंड इज द कंपैरेटिव मेथड. तो क्या डिफरेंस है उन दोनों में हम ये बात करते हैं पहले. अब एब्सोल्यूट मेथड क्या है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें, ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या आ रही है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम वेरीफाई करें और वो जो रेप्लिकेशन हो रही है एक्सपेरिमेंट की वो सेम पर्सन ही कर रहा है, मीन्स हमने आइडेंटिकल कंडीशन में सेम पर्सन से किसी एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कराया तो वहां पर चेक किया हमने कि रिजल्ट जो है वो सही है या नहीं है, तो उससे क्या होता है
कि जब कोई ऑपरेटर पहली बार काम करता है तो वहां पे एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, बट जब वो बार बार उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा तो वहां पे जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेट एनालिसिस बोलेंगे। और ड्यू टू दिस रेप्लिकेट मेजरमेंट, ठीक है, तो मेथड क्या होगा, वो इंप्रूव हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगी, प्रिसीजन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसके रिजल्ट क्या होंगे, कंपैरेटिवली सेम आने लग जाएंगे, तो वहां पे हमारी जो है प्रिसीजन इंप्रूव होगी, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा कि जो प्रिसीजन आ रही है उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो जो उसकी एवरेज वैल्यू है उससे मैच कर रही है, या फिर जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने क्लोज पहुंच रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एरर आ रही है, बट जैसे ही मेथड को हम इंप्रूव रिपीट करते हैं बार बार, तो क्या आती है वहां पे प्रिसीजन आती है, और वहां पे हम कह सकते हैं एक्यूरेसी भी उसकी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट मेथड, क्लियर। तो होता क्या है कि वन एट ए टाइम हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल लिमिट्स हैं वो हमारी वहां पे रीच हो जाती है, जब हम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हमारी प्रिसीजन भी और एक्यूरेसी भी क्या होती है, इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एरर है वो एक सिस्टमेटाइज हो जाती है, पहले एरर क्या ज्यादा है, बाद में एरर क्या होती है हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, तो रिजल्ट अगर हमारे पास क्या आते हैं, सेम आने लग जाते हैं, तो मीन्स वहां पे एरर आने के चांसेस क्या कहते हैं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए, ओके। तो वहां पे जो हम कहते हैं ये हमारा एब्सोल्यूट एक मेथड बन गया जिससे हमारी एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो गई है, ठीक है। तो कुछ एक चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वो जो एरर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, बट वहां पे रिजल्ट जो प्रिसाइज रहेंगे वो क्यों रहेंगे, सपोज हमारे पास क्या है, जो हमारा ग्लासवेयर है या जो वेट्स हैं वो क्या है, अनकैलिब्रेटेड है। अगर अनकैलिब्रेटेड हमारे पास कुछ क्या है, ग्लासवेयर है या फिर वेट्स हैं, तो उनकी वजह से जो एरर रहेगी, जो कांस्टेंट एरर आती है हमेशा, वो उसमें रहेगी रहेगी, बट जो रिजल्ट है वो सेम आते रहेंगे, ठीक है। मीन्स हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, सपोज 23.0 है कुछ, सपोज वैल्यू है ये, कोई ML इतना आना चाहिए, बट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 22.9 आ रहे हैं या 22.8 आ रहा है। तो ये रिपीटेबिलिटी बार बार क्या आ रही है, वहां पे रिपीट हो रही है, 22.9 22.8 बार बार आ रहा है। अब ये जो थोड़ी सी 0.1 0.2 की जो वहां पे एरर आ रही है, दैट इज ड्यू टू दी अनकैलिब्रेशन, ठीक है। बट हमारे रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूसली सेम आ रहे हैं, मीन्स हमारा रिजल्ट, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्यूरेट है, बट जो ये छोटी मोटी एरर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी अनकैलिब्रेटेड वॉल्यूम्स और अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक मेयरिंग सिलेंडर हमारा क्या हो, अनकैलिब्रेटेड हो, ब्यूरेट अनकैलिब्रेटेड हो, या फिर पिपेट अनकैलिब्रेटेड हो, उनकी वजह से जो ये एरर रहेगी वो कांस्टेंट एरर उसमें रहेगी रहेगी, उसको नहीं हम कंट्रोल कर सकते। उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि आप अपने पहले जो ग्लासवेयर है उनको कैलिब्रेट कर लो, ठीक है, या फिर कोई स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड जो हमारे होते हैं, जो ग्लासवेयर होते हैं या वेट्स होते हैं, उनको हम यूज करें, तो हम वो जो छोटी मोटी जो कांस्टेंट एरर आ रही है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द कंपैरेटिव मेथड। अब कंपैरेटिव मेथड क्या है कि सपोज हमने क्या करना है, निकल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, निकल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, निकल टू पॉजिटिव की। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है, चार पांच स्टूडेंट को हमने दे दिया, अभी आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। एक मेथड है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, कुछ नीचे प्रेसिपिट बनते हैं, ठीक है। तो वहां से हम देखते हैं भी कितना वॉल्यूम यूज हो गया हमारा जो रिएजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमारे पास कितना निकल था जो रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो उसकी हम जो है कैलकुलेशन करके उसकी निकल की कंसंट्रेशन निकालते हैं। बट अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो सपोज क्या हुआ कि हमने 6 स्टूडेंट्स को काम दिया, तो 6 में से 3 स्टूडेंट्स के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और बाकी जो 4th 5th एंड 6th स्टूडेंट है उनके रिजल्ट क्या है, वो डिफरेंट आ रहे हैं, वो उनके आपस में भी डिफरेंट हैं, और जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हैं उनके भी डिफरेंट हैं, ठीक है, उनसे भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो मींस क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जो मेथड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जो 3 बच्चों के तो रिजल्ट क्या आ गए, ऑलमोस्ट सेम से आ रहे हैं, बट जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम एक नया मेथड चूज करते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम कंसंट्रेशन फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मेथड हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक है। तो ग्रेविमेट्री में क्या करते हैं, हम प्रेसिपिटेट करते हैं, टाइट्रेशन नहीं करते, वहां पे क्या करते हैं, उसको अंडर ग्रेविटी हम सेटल डाउन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से भी हम क्या करते हैं, उसका निकल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, हमारा मेथड है ये। वहां पे हम चेक करते हैं, इन्हीं 6 स्टूडेंट को हमने यही सेम दोबारा एक्सपेरिमेंट दे दिया, सबने क्या किया, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। तो अगर हमारे ग्रेविमेट्री के रिजल्ट क्या है, सबके क्या आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, मीन्स अगर उसमें कोई एरर आती है तो सेम सी एरर आती है सब में, तो हम उस मेथड से क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारी एरर कहां पे थी और हम रिजल्ट को वहां पे एक्यूरेट ला सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। अगर हम बात करते हैं, चूंकि रिसर्च फील्ड में, रिसर्च में लोग क्या करते हैं
कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं। वो कौन सी करेक्टराइजेशन होती है, दैट इज नोन एज दी स्पेक्ट्रोमेट्रिक करेक्टराइजेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक करेक्टराइजेशन, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास यूवी विजिबल, ठीक है, लाइट होती है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसी तरह से हमारे पास एक होता है आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस तरह से हमारे पास होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओके, और एक होता है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं जहां से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में हम यूवी और विजिबल लाइट का यूज करते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या उस किसी भी और कंपाउंड को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वहां से हमें जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, आईआर रेडिएशन यूज करते हैं, जो कि लो एनर्जी रेडिएशन है, दीज आर दी हाई एनर्जी रेडिएशन, दीज आर दी लो एनर्जी रेडिएशन। तो वहां से हम टेस्ट करते हैं कि वाकई क्या हो रहा है, कि ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। सपोज हमने क्या किया कि हमने यूवी विजिबल एनालिसिस यूज की, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, एनालिसिस की, तो हमें पता लगा भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बता रहा है कि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, मींस अल्कोहल है वहां पे। इसको हमने टेस्ट करने के लिए फिर क्या किया, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, वहां से भी हमें पता लगा कि वाकई इसमें क्या है, OH है, ठीक है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने फिर टेस्ट किया कि वाकई क्या इसमें ये दो जो बता रहा है कि इसमें चांसेस हैं कि OH ग्रुप हो इसके अंदर। तो फाइनली हम टेस्ट करते हैं किससे, एनएमआर से। तो एनएमआर से भी हमें एक बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है, तो जो OH का सिग्नल होता है तो उससे हमें पता लग जाता है कि वाकई क्या है, उस मॉलिक्यूल में OH है। तो मीन्स ये हो गया ऑर्गेनिक का काम। इस तरह से हम, जैसे हमने बताया कि वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक है, वहां से भी हम टेस्ट करते हैं जब हमने क्या करना होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमने कंपेयर करके रिजल्ट को रिपोर्ट करना होता है। ऐसे ये नहीं है कि हमने एक बार कोई एक मेथड किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दो मेथड हमें यूज करने ही पड़ते हैं, ठीक है। सपोज अगर आप यूवी विजिबल एनालिसिस कर रहे हो तो हमें वो चार बार करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि हमारा रिजल्ट जो है सही है। अगर बार बार सेम चीज आ रही है तो वाकई हमारा पास क्या हो सकता है, वो रिजल्ट सही हो। उसके बाद हम करते हैं कंपैरेटिव। एक बार हमने एनालिसिस कर ली, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी एनालिसिस करते हैं, तीसरी एनालिसिस करते हैं, चौथी एनालिसिस करते हैं। एटलीस्ट 5-6 एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं, हम अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं। तो यहां से हमें हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है इम्प्रूविंग दी एक्यूरेसी, किस तरीके से हम जो है अपने मेथड में एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है भी, एक्यूरेसी कैसे हम अपने एक्सपेरिमेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो देर इज फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज दी कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। कैलिब्रेशन करें हम इसकी, कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स। सपोज हमारा जो ग्लासवेयर है, जो वेट्स हैं, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, मींस उनमें कुछ एरर है, उसका जो वॉल्यूम है या तो ज़्यादा है या फिर कम है, ऐसे ही वेट क्या होगा जो एक्चुअल वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है या फिर कम है, तो हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। अब कैलिब्रेट कैसे करते हैं, कैलिब्रेट करने का तरीका होता है कि हमारा जो ग्लास अपरेटस है उसको हम स्टैंडर्ड जो हमारे ग्लास अपरेटस हैं जो कि कैलिब्रेटेड होते हैं उनके साथ उसका वॉल्यूम टेस्ट करें। सपोज मेरे पास एक बीकर है जो अनकैलिब्रेटेड है, ओके, तो उसके उसका वॉल्यूम जो लिखा हुआ है उसके ऊपर 100 ml लिखा हुआ है, वी मीन्स उसका एक यहाँ पे निशान लगा हुआ है कि इस निशान तक अगर हम उसको फिल करेंगे तो वो 100 ml का होगा, ठीक है। बट जब हम उसको फिल करते हैं, हमने तो वहाँ पे 100 ml ले लिया, ओके, यहाँ तक लेके हमने इसको माना कि 100 ml है, फिर क्या करते हैं, हम एक नया वो लेते हैं, क्या कहते हैं, बीकर जो कि कैलिब्रेटेड है, ओके, उसके ऊपर जो लेवल लगा हुआ है तो वही सारा लिक्विड हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या उसका जो लेवल है वो उसके लेवल के साथ मैच कर रहा है, मींस जहां पे तक हमने यहाँ पे लिक्विड फुल अप फिल किया हुआ था वो था हमारा 100 ml, ओके, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर। अगर वो हमारा यहां तक ही फिल हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड हमारा कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हमारा क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, उससे नीचे रह रहा है, तो मींस उसका वॉल्यूम हमने नोट कर लेना भी वो कितने ml है। सपोज वो क्या हो, 90 ml हो, तो मींस इस इंस्ट्रूमेंट में, इस बीकर में हमारी 10 ml की क्या है, उसमें एरर है, ठीक है, 10 ml उसमें कम आता है। अगर इसमें 100 ml ले रहे हैं तो वो 100 ml नहीं है, 90 ml है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वहां पे लेबल करना होगा कि ये जहां पे लेबल, यहां पे मार्क लगा हुआ है वो 90 ml है।
या फिर हम क्या करें भी, इस बीकर में 100 ml ले लें, ठीक है, इस निशान तक, उसको इसमें ट्रांसफर करेंगे तो जहां तक ये फिल होगा, ओके, उसको हम वहां पे मार्कर से मेंशन कर देंगे कि ये पूरा 100 ml है, ठीक है। तो उसके बाद अब फिर इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो न्यू निशान लग गया यहां पे, अब जब हम नया कोई सॉल्वेंट लेंगे तो हमने उस निशान तक फिल करना है, ना कि जो पुराना निशान लगा हुआ था वहां तक फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्लासवेयर की क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। सेम इज द प्रोसेस भी थी कि अगर हम अपने ब्यूरेट को कैलिब्रेट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ब्यूरेट से हम कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड बीकर से कैलिब्रेट करेंगे। एक हमें कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उससे हम क्या करते हैं, सभी को कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था ग्लास ब्रेटस की बात। अगर बात करें हम कि इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वहां पे एक ब्लैंक एक्सपेरिमेंट करना होता है। ब्लैंक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सपोज जैसे मैं कर रहा हूं, इट इज ए ब्लैंक एक्सपेरिमेंट। अब ब्लैंक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सपोज हमने क्या किया, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम कंपाउंड जो डाल रहे हैं एक वायल में डालते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई लैंप लगा होता है, ठीक है, जो सोर्स है हमारा लाइट का, तो यहाँ पे लाइट सोर्स के सामने हम क्या रखते हैं, अपना सैंपल रखते हैं एक वायल में, ठीक है। तो यहां से लाइट जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, हम आगे हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर वहां से डिटेक्ट करता है इसको, ठीक है, फिर वो कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। हमारे पास क्या आता है, ग्राफ आते हैं, जो ग्राफ हम बताते हैं कि हमारी ये पीक आ रही है, ठीक है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंगली, कौन से फंक्शन ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंगली वहां पे आ रही है, ठीक है। बट अगर हमारे क्या हो कि इसमें एरर आ रही हो, हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, ऐसा शार्प ग्राफ होना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि हमारा ग्राफ ऐसा ना आके उसके अंदर क्या आ रही है, कुछ और फ्लक्चुएशन ही आ रही है। सपोज यहाँ पे ऐसे कुछ छोटी सी ऐसे फ्लक्चुएशन ही आ रही है, ऐसे ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो मींस इतना अच्छा जो ग्राफ आना चाहिए था वो इस तरीके से फ्लक्चुएट होकर आ रहा है। तो ये जो आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द अनकैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड ना हो, तो वहां पे क्या करते हैं, हम एक ब्लैंक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्लैंक मतलब क्या है, खाली एक्सपेरिमेंट है, वहां पे हम वो अपना सैंपल ना रख के हम क्या करते हैं, वहां पे खाली इंस्ट्रूमेंट को रन करते हैं और वहां पे प्लॉट करते हैं। तो हमारे प्लॉट में क्या आता है, अगर हमारी ऐसी कुछ फ्लक्चुएशन ही वहां पे आ रही हैं ऐसे कुछ, तो मींस ये फ्लक्चुएशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की वजह से, वहां पे कैलिब्रेट ना होने की वजह से ऐसे आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ब्लैंक एक्सपेरिमेंट रिपीट करके वो जो हमारा डाटा होता है उसको हम सेव कर लेते हैं। फिर जब हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद जो हमारा डाटा ये वाला आया उसको हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि वहां पे हम उसको कैलिब्रेट करने की क्या करते हैं, इस डाटा को इस डाटा के साथ ओवरलैप कराते हैं, तो वहां से ये वाला डाटा जो है इस ग्राफ में से वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो ग्राफ है वो वापस क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, जो ऐसा आना चाहिए था वैसा आ जाता है। तो वहां पे जो हमारी जो कैंसिल आउट होगी वो हम सेव कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप की एरर आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करें इसमें अंदर, ठीक है, तो ये वाली जो पीक्स होंगी उसको उसमें से वो कैंसिल कर दे, तो दैट मीन्स यहां पे हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या हो गया, कैलिब्रेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था जिसको बोलते हैं रनिंग अ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रनिंग अ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ब्लैंक एक्सपेरिमेंट करके भी हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये ओनली इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता, किसी मेथड में भी होता है, ठीक है। आइडेंटिकल कंडीशन में हम क्या करते हैं, मेथड में हम जो हमारे केमिकल्स हैं उसको ना यूज करके हम कोई और केमिकल यूज करते हैं, तो उसमें हम देखते भी बाकी अगर हमारे जो हमारा मेन जो रिएक्शन है, सपोज हम ए प्लस बी की रिएक्शन कर रहे हैं, हमने बनाना है कुछ प्रोडक्ट, क्या बनाना है, जेड बनाना है, ओके, बट जेड के साथ क्या बन रहा है, हमारा कुछ और भी बन रहा है, सपोज एक्स बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी को छोड़ के हम क्या करते हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट को पहले हम चेंज करके देख सकते हैं कि सपोज हमारा हम ए ना ले, हम सी ले लेते हैं और बी को वैसे ही रखते हैं, तो क्या करते हैं कि वहां पे Z बन रहा है, ठीक है, प्लस अगर फिर से वहां पे कुछ X बन रहा है, तो मीन्स वहां पे क्या है कि हमारे हो सकता है B में कुछ खराबी है जिसकी वजह से ये फिर आ रहा है। अगर हमारा B बिल्कुल सही है तो वहां पे ये X नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ Z बनेगा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मीन्स हमारा क्या वहां पे A में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रनिंग ब्लैंक एक्सपेरिमेंट क्यों रन करते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में कोई क्या आ सकती है, उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, कि अगर इंस्ट्रूमेंट लेवल पर भी पड़ा हो तब ये एरर आ सकती है। अगर रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वहां पे उस रिएजेंट में इंप्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है, तो इंप्योरिटीज की वजह से हमारे क्या हो सकती है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि केमिकल को चेंज कर सकते हैं, कुछ हमारा केमिकल डिफरेंट ले सकते हैं, कुछ हम प्योर केमिकल ले सकते हैं, तो वहां पे हमारे, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैंक एक्सपेरिमेंट करके भी हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रनिंग ऑफ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट एंड कैलिब्रेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद
कि अगर हम जो डिटर्मिनेट एरर है हमारी, जो पर्सनल डिटर्मिनेट एरर है, उसको रिमूव कर दें। वो कैसे रिमूव करेंगे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से करें। सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें क्या है कि आप टाइट्रेशन कर रहे हो, सपोज ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैलिब्रेटेड है, हमने आपको न्यू इंस्ट्रूमेंट दिया जो कैलिब्रेटेड है, स्टैंडर्ड है, बट फिर भी आपकी एरर आ रही है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान से एक्सपेरिमेंट करना है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप उसको हमेशा लेवल पे रख के क्या करोगे, अपने आईज के लेवल पे रख के क्या करोगे, उसको देखोगे, ठीक है, जो लेवल है जो भी आप नोट कर रहे हो, अगर इस चीज़ को आप ध्यान दोगे, या फिर जो आप नीचे क्या कहते हैं, जो फ्लास्क है जिसमें हमारा लिक्विड आ रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपरली शेक करते हो, ठीक है, तो ऐसे करने से है हमारी जो पर्सनल की जो हमारी क्या कहते हैं ऑपरेटर की जो एरर होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मीन सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करें और जो हमारा डाटा आ रहा है उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते रहें, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डाटा है उसको हम टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड करते रहे कि इतने टाइम के बाद मैंने क्या किया, जो कंसंट्रेशन नोट की वो इतनी आ रही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम किया, 10 मिनट्स के बाद किया, 20 मिनट्स के बाद किया, उसको आप प्रॉपर रिकॉर्ड करते रहो यहाँ पे और चेक करो कि आप में के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कितने प्रिसाइज आ रहे हैं, ठीक है। कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है उसको लिखना है, ये नहीं लिखना कि पहले हमारा जो था 0 था, बाद में 10 आया तो उसके बाद 20 आ रहा है, फिर अब उसका 30 आना चाहिए क्योंकि 10 का ही डिफरेंस पड़ रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम हमारा आपका 29.9 आ रहा है तो उसको 29.9 रिपोर्ट करो। ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पर्सनल एरर है, जो ऑपरेटिव एरर है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स उससे हमारे क्या होगा, हमारी स्किल भी इंप्रूव होगी, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो भी इंप्रूव होगा और हमारा काम करने का जो मेथड है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस में एक्यूरेसी ला सकते हैं, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को रन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सपोज हमने क्या किया, कोई एक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंडीशन हमने मेंटेन की हुई है, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर को हमने मेंटेन किया हुआ है, हमारा जो सब्सटेंस है वो अननोन है, सपोज हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके बारे में हमें नहीं पता, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं उसका उसकी वेइंग कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया, सपोज हमने क्या किया, ए प्लस बी को रिएक्ट किया और हमारा प्रोडक्ट बन के आया पी को ही प्रोडक्ट बन के आया, ठीक है। जब पी प्रोडक्ट बन गया तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पी को हमने वेइंग की है, ओके, वेइंग की, फिर हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रीजन को चेंज कर दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो है नोन है, मतलब क्या करें कि जो हमारा अननोन प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम नोन प्रोडक्ट के साथ मैच करें, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं वहां पे कर सकते हैं। ये हम कम काम कब करते होते हैं, जब हमारा हमने करना होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन करते हैं, मीन्स हमने कंडक्टेंस नोट करनी होती है तब हम ये काम करते हैं। तो कंडक्टेंस हमने पढ़ा होगा, अगर आपने को याद होगा कि ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, ठीक है, और यू कैन से कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ओके। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है फर्दर वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए। अब ये एल अपॉन ए क्या होता है वहां पे, दैट इज नोन एज द सेल कांस्टेंट, ओके। अब ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, एक सेल का पैरामीटर है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, मींस जो हम वहां पे कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हैं उसका एक कांस्टेंट होता है। अब हमें अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम कंडक्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, अगर हमें सेल कांस्टेंट नहीं पता तो हमें सेल कांस्टेंट क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब सेल कांस्टेंट निकलेगा कैसे, सेल कांस्टेंट भी निकलेगा कैसे, क्योंकि वो भी कंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब है क्या चीज यहां पे, दैट इज अ रेजिस्टेंस, दैट इज नॉन ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अगर हम बात करें 1/r इज इक्वल टू 1/ρ, अगेन क्या आ जाएगा यहां पे, l/a आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस, दैट इज नॉन ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए, व्हाट इज एल अपॉन ए, इट्स अ सेल कांस्टेंट, तो हमने एल अपॉन ए निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। अब अगर हमारे पास क्या, अभी हमारा जो सब्सटेंस है वो अननोन है, उसकी कंडक्टेंस हमने नोट कर ली, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दी हुई है, तो हमें कैसे पता लगेगा उसका सेल कांस्टेंट क्या आया, तो उसको गलत भी तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि एक हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं KCl, इसकी हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है। इसका 1 मोल हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या 0.1 मोल हम कंसंट्रेशन लेते हैं, उसकी वैल्यूज हमारे पास टेबल फॉर्म में गिवन होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसकी हम कंडक्टेंस नोट करते हैं।
उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने टेबल से नोट कर ली और कंडक्टेंस हमारे पास एक्सपेरिमेंट में से आ गई जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिवाइड करके वहां से सेल कांस्टेंट निकालते हैं। इस सेल कांस्टेंट को हम फर्दर यूज करेंगे जब हमारा नया एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, ठीक है। उसकी कंडक्टेंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से आ जाएगी, उसकी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस वहां से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमें कहां से मिल गई, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से मिल गई। तो हमारा जो रिजल्ट की जो कंडक्टेंस आ जाएगी वो एक्यूरेट आ जाएगी। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को वहां पे कैलिब्रेट नहीं किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके कैलिब्रेट नहीं किया, तो हमारी वहां पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। ये था फोर्थ मेथड। इसके बाद हमारे पास एक मेथड और है जिसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पैरेलल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब पैरेलल एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है वो हम देखते हैं, ठीक है। रनिंग है पैरेलल एक्सपेरिमेंट। अब क्या करना है कि हम एक ही पर्सन क्या कर रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। अकेला ही रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। पैरेलल एक्सपेरिमेंट लगा रहा है, इसमें जो उसके केमिकल्स हैं वो जो ऑलरेडी यूज कर रहा है वो वाले हैं, इसमें क्या कर रहा है वो स्टैंडर्ड केमिकल यूज कर रहा है, मीन्स प्योर केमिकल यूज कर रहा है, ठीक है। जो प्योर केमिकल्स होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए उनको कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा हमने कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ओके। तो दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास उसने लैब में कोई केमिकल बनाया तो वो उससे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये चेक करना चाहता है कि ये जो केमिकल उसने बनाया है, जो रिएजेंट उसने बनाया है, कि क्या वो सही बना है या नहीं बना, तो वो क्या करता है, इसको पैरेलल एक्सपेरिमेंट करता है। दो वेसल में एक्सपेरिमेंट ले लिया, ठीक है। एक में हमने प्योर कंपाउंड जो मार्केट से परचेज किए हैं, एक जो हमने लैब में बनाया है वो यूज कर रहे हैं। अगर तो दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं तो मीन्स हमारा जो केमिकल बना है दैट इज ऑल्सो प्योर, ठीक है। तो वो क्या होगा, सही होगा, तो उसमें एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये कुछ और बना रहा है, ये कुछ और बना रहा है, मीन्स हमारा जो केमिकल है वो सही नहीं बना, कुछ और ही बना है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल एक्सपेरिमेंट रन करके, मेजरमेंट करके हम एक्यूरेसी के बारे में बता सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ओके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड में और अपने जो रिजल्ट्स हैं, एनालिसिस है, उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं, ओके। सो इसके बाद आते हैं कि हमारे पास हमने जो एक्सपेरिमेंट करने हैं किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास टेस्ट होते हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं अब, ओके। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं या हमने जो एनालिसिस करनी होती है, जो साइंटिस्ट एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, जो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट्स में हमने अगर और एक्यूरेसी लानी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। पहले हमें उन टर्म्स को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो हमें मोस्टली यूज करते हैं, भी हम अपने रिजल्ट जो है एक्यूरेट कैसे ला सकते हैं, हमें कितना सैंपल साइज चाहिए, कितना हमें मॉक लेना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज द सैंपल एंड द पॉपुलेशन, ठीक है। ये मोस्टली हम रिसर्च में यूज करते हैं, ठीक है, भी सैंपल क्या होता है या फिर पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है। ये दो कुछ टर्म्स हैं, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ओके, ये हमने डिस्कस करना है। अब सपोज क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ओनली ए फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम हो, ठीक है, तो वहां पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ रिजल्ट लेके आते हैं, तो वहां पे हम स्टैटिस्टिकल जब रिजल्ट निकालते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर हम कुछ सपोज कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मेजरमेंट को बार बार करना जरूरी है, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा कि रिजल्ट क्या इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा भी बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहिए, ठीक है। सपोज आप टाइट्रेशन कर रहे हो, तो टाइट्रेशन आप कर रहे हो तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइट्रेशन की तो आपका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 11.2 ml सपोज कर लो आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको बार बार रिपीट करोगे, ठीक है, तो आपके रिजल्ट में क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी आएगी, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, फाइव टाइम किया, ठीक है। ये तो होगी आपने क्या किया, अभी आपने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर दिया, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं हम भी, जैसे हमने सैंपल लेना है, सपोज यही टाइट्रेशन अगर हमने तीन बार करनी है, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लगा देंगे, हम सैंपल ज्यादा ले लेंगे। सपोज एक एक्सपेरिमेंट एक बंदा क्या कर रहा है, 10 बार कर रहा है, वही एक्सपेरिमेंट क्या करें हम 10 पर्सन लगा लें और एक बार कराएं, तो वहां से भी हमारा पता लग सकता है कि सैंपल हमारा जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है। अगर हम नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लेते हैं तो हमारा उसको बोलते हैं हम सैंपल साइज। अगर हम और भी ज्यादा लगा दें, सपोज 15 कर दिया, 20 कर दिया, तो ये हमारा हो गया सैंपल का साइज। इस तरीके से हम बात करते हैं कि आपने कुछ एक ही बंदे ने रिएक्शन करनी है, तो सपोज अगर उसने अमाउंट ज्यादा ली है,
अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन करनी है, हम मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने, किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी रिसर्चर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने अगर सैंपल की अमाउंट ज्यादा ले ली, ठीक है, तो उसमें एरर की चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। हाँ, बट अगर वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा लगा देता है, तो उसमें उसको प्रोडक्ट आने के क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मेथड इंप्रूव हो गया, फिर आप क्या है, ज्यादा अमाउंट लेके, ठीक है, मिलीग्राम से आप क्या ग्राम में भी रिएक्शन लेके प्रोडक्ट बना सकते हो, एक ही बार में इकट्ठी का प्रोडक्ट बना सकते हो, उसमें क्या रहेगी हमारी जो एक्यूरेसी फिर ज्यादा आ जाएगी। फर्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट है वो कम लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट लेके एक बारी में हम वो काम कर सकते हैं। तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जो कम अमाउंट हम ले रहे थे उसमें यील्ड कितनी आ रही है, कितनी परसेंटेज यील्ड आ रही है, और अगर हम ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो उसमें हमारी जो परसेंटेज यील्ड है वो कितनी आ रही है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैंपल का साइज लेना, पॉपुलेशन का साइज लेना, ठीक है, इससे हमारी जो एक्यूरेसी है, जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो सकते हैं, ओके। तो सेकेंड जो टर्म है दैट इज द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो ये बस उसी का चीज है कि जो हमने सैंपल लिया, फर्दर हमने उसका मीन लेना है, ठीक है। सैंपल मीन इज द मीन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मींस एक एक्सपेरिमेंट को हम तीन बार रिपीट कर रहे हैं, ओके, फर्दर हमने 10% लगा दिए, तो इनका जो रिजल्ट आया एवरेज, और जो बाकी 10 का आया एवरेज, उनका फर्दर हमने जो एवरेज लेना है, तो उससे हमारे जो आगे जो एक्यूरेसी और इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नोन एज द सैंपल मीन और एवरेज मीन, ठीक है। तो इसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, एक्स बार इट इज इक्वल टू सिग्मा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू एन, एक्स आई अपॉन एन, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ओके। तो ये हो गया हमारा एवरेज मीन। तो नेक्स्ट हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो क्या चीज है, बिल्कुल हमने जो अपने पहला किया है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, एवरेज से हमने उसकी डेविएशन देखनी है, ओके। मींस इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को हमने जो एवरेज है उसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। उसका फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, फिर उसका हम रूट निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये वाली, दैट इज द फर्स्ट मेजरमेंट का एवरेज, ओके। जब 10 का मेजरमेंट का एवरेज लेंगे तो वो ये आ जाएगा। फिर हमने देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन की जो एवरेज आ रही है वो जो हमारी टोटल की जो एवरेज है उसमें कितनी डेविएट कर रही है। तो मींस ये वो सैंपल जो हमने लिया, सैंपल का एवरेज, टोटल जो हमारे सैंपल्स हैं उनके एवरेज से हमने कंपेयर करना है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से ही है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, ओके। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किए यहां पे अभी। तो आज हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं।